বুধবার সস্ত্রীক নদিয়ার তেহট্টে রঘুনাথপুরের সুবোধ ঘোষের বাড়ি গেলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। গত বছরের ডিসেম্বরে জম্মু কাশ্মীরের পাকসেনা হামলায় শহীদ হয়েছিলেন তেহট্টের রঘুনাথপুরের সুবোধ ঘোষ। গত ডিসেম্বরেই তার বাড়ি ফেরার কথা ছিল। এদিন শহীদ জওয়ানের ছবিতে মালা দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জগদীপ ধনকর। বেশ কিছুদিন আগেই সুবোধ ঘোষের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল ধনকরের, কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে তার হেলিকপ্টার তেহট্টে পৌঁছেও ফের রাজভবনে ফিরে আসে। এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে শহীদের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার ও সদ্য বিজেপিতে যোগদান করা অরিন্দম ভট্টাচার্য। রাজ্যপাল এদিন শহীদের পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেন। बीस तारीख को आने का प्रोग्राम था, हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच गया था, लैंड करने की कोशिश की, मौसम की वजह से नहीं हो पाया, इसलिए आज आए हैं। मैं आभारी हूँ कि आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और वरिष्ठ सेना के अधिकारी भी आए। जो भी फौज में काम करता है वो जांबाज होता है, देश के लिए सर्वोपरि निछावर करने के लिए तैयार रहता है। आपके सपूत ने, आपके यहाँ बेटे ने आपकी मिट्टी की पूरी कदर की है और सुबोध ने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस की है। इन मिट्टी को सलाम करता हूं, उनके माता पिता के प्रति नतमस्तक हूं। जिस माह में सुबोध ने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दी उसी माह में सुरभि का जन्म हुआ। आपसे आग्रह करूंगा, फौजी परिवार हमारे समाज की अग्रिम पंक्ति के अंदर बैठने वाले लोग हैं, जो अपने बेटे को और बेटियों को भी फौज में भेजते हैं, वो जानते हैं कि वो मौका कभी भी आ सकता है जब वो लौटकर घर न आए। इतना बड़ा दिल मजबूत देश सेवा के लिए करने वालों के प्रति नमन करता हूं, नतमस्तक। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स बांग्ला।